अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम खैरियत से, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी है सीख कबाब, जिसके लिए हमने ये कीमा लिया है, 3 पाउंड के करीब कीमा है। इसमें ये मसाले हमारे जाएंगे, ये लाल मिर्चें हैं, पिसा हुआ गरम मसाला है, आधा चम्मच लाल मिर्चें, आधा चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ, आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक हंसब जायका डालिएगा, और ये कट भुना हुआ जीरा और वो धनिया है, इसको हमने कोट लिया है। ये सब मसाले इसके अंदर जाएंगे। उसके अलावा इसमें जाएगा 1 लेमन, लेमन निचोड़ेंगे हम इसके अंदर, 1 लेमन जाएगा। लेमन हमने पूरा निचोड़ दिया इसके अंदर, लेमन डाल दिया। अब ये देखिए इसके अंदर है, ये थोड़ा सा चाट मसाला है 1 चम्मच, लहसुन है थोड़ा कुटा हुआ, एक अनियन है चॉप की हुई, आधी अनियन ये रेडीमेड है, आप उसको फ्राई भी कर सकते हैं, फ्राई है भी। और इसमें 3 इंच का अदरक का टुकड़ा है, 1 लहसुन का जवा है, 5-6 हरी मिर्चें हैं और आधा गड्डी हरा धनिया है। तो ये देखिए हमें इसको प्याज को डालेंगे इसके अंदर ऐसे हाथ से करके, ये वाली थोड़ी प्याज डालेंगे हम। उसके बाद ये हम इसमें हरा मसाला, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया, ये सब हमने चॉप कर ली है। आप चाहें तो काट लें, लेकिन चॉप करा हुआ बहुत अच्छा रहता है। ये हम बना रहे हैं सीख कबाब, और ये चाट मसाला और ये लहसुन, ये सब हमने इसमें डाल दिया। अब इसमें जाएगा बेसन, ये बेसन को हमने थोड़ा भून लिया, ये 1/2 कप से भी कम है, ऐसे 6 चमचे हैं, ये टेबल स्पून, 6 टेबल स्पून। अब इन सब चीजों को हम मिक्स करेंगे। ये देखिए हमने तेल डाला है इसके अंदर, ये हमारा तेल गर्म हो रहा है, और अब जो है ये हम ऐसे बना रहे हैं, तेल जरा गर्म हो गया, देखते हैं गर्म हुआ है कि नहीं। वो तो उसे डाल के अभी ये गर्म हुआ, तेल गर्म हो जाए फिर हम आपको इसमें डालेंगे। तो ये देखिए हमने ऐसे बना लिया, अगर हमारा तेल गर्म हो गया तो ये इसके अंदर हम तो आपको डाल, उसकी आँच हम मीडियम कर दें, मीडियम पे कर दें हमें इसकी आँच। और ये हम दूसरा कीमा खाएंगे, ये पिसा हुआ है कीमा, इतनी देर से ज़्यादा लंबा नहीं पकाएंगे इसको। अच्छा, आप चाहें तो छोटी सीख अगर आपके पास है तो आप ऐसे सीख के साथ भी इसको डाल सकते हैं, हमने बड़ी सीख में डाल के निकाला है, अगर आप चाहें तो ऐसे सीख के साथ भी डाल सकते हैं। छोटी सीख है तो आप उसके साथ ऐसे लगा कर डाल सकते हैं। ये देखिए कम से कम ये 10 सेकेंड एक तरफ होने चाहिए, ये हो गया, दूसरी तरफ से सुलटा देंगे इस तरीके से भी हो जाएगा, तो उसी तरह से बनता देंगे, हल्के हल्के हाथ से बनता देंगे। एक और जाएगा इसमें 5 कबाब एक साथ बन जाएंगे। ये देखिए हमारे कबाब फ्राई हो गए। अगर आपके पास बारबेक्यू का चीला है तो आप उसको भी बना सकते हैं, उसमें हाथ थोड़ा थोड़ा आ जाएगा। और चाहे तो उसको बनाने के बाद उसमें धुआं भी दे सकते हैं, लेकिन हम ऐसे ही बना रहे हैं इसके तरह। ये देखिए इस चीज़ के साथ भी बनना है, बता सकते हैं ये निकाला है इसमें, कम से कम 5 मिनट तक हम फ्राई करेंगे इस तरह से, 5 मिनट भी सकते हैं, ये 5 मिनट हो गए, हम इसको कलर करेंगे। ये देखिए हमारे कबाब रेडी हो गए, इसको हम निकाल रहे हैं। ये हमने चीज़ के साथ कट करा,
इसकी रेसिपी। देखिए हमारे कबाब रेडी हो गए। इसको हम अगर सीख में से चाहें तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ये देखिए सीख में से निकल गए पूरा। ये हम इसके अंदर सीख में लगाकर इसमें डाले थे, ये हमारे कबाब रेडी हो गए। ये देखिए ये दूसरे वाले भी चाय इसमें लगा रहे, चाय ऐसे निकाल लें इसको। ये हमारे सीख कबाब रेडी हो गए। तो ये देखिए हमारे सीख कबाब तैयार हैं, बहुत जल्दी 15-20 मिनट में रेडी हो जाते हैं। तो सीख कबाब बनाइए, खाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।